अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे निकाल सकते हैं। ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये एबिलिटी है कंक्रीट की कि वो कैसे रेजिस्ट कर सके ग्रेजुअली एक कंप्रेसिव लोड। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसकी? कंक्रीट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है कंप्रेसिव लोड। हमको अदर प्रॉपर्टीज भी पता है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, लेकिन ये भी हम इसी के हिसाब से देखते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ये स्ट्रेंथ या प्रोबेबिलिटी इम्प्रोबेबिलिटी कम होगी, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी जितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यानी क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ ही हम मतलब रिलेशन निकाल सकते हैं बाकी प्रॉपर्टीज़ की। जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद ये एक और जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये हम किस पर मेजर करते हैं? क्यूब, यानी कि हम क्यूब के थ्रू मेजर करते हैं या सिलेंडर स्पेसमैन है उसके थ्रू हम ये मेजर करते हैं। जो क्यूब का साइज़ होता है वो 150 mm, 150 mm और 150 mm का होता है। और इसकी जो मतलब स्ट्रेंथ चेक करते हैं हम किसी भी क्यूब का, जैसे हमने ऐसे क्यूब एक बनाया जिसका साइज 150 mm, 150 mm होगा, तो इसकी स्ट्रेंथ हम 28 डेज बाद चेक करते हैं। कितने बाद? 28 डेज बाद चेक करते हैं। तो हम मानते हैं कि स्ट्रक्चर के लिए 28 डेज बाद की जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आएगी वही हम स्ट्रक्चर के लिए डिज़ाइन करते हैं, मतलब उसी पर हम फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, पार्शल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, बोलते हैं कि हाँ उसी के हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे जितना 28 डेज के बाद आए। हम ये टेस्ट एट द एज ऑफ 3 डेज भी कर सकते हैं और 7 डेज के बाद भी कर सकते हैं। जो 7 डेज के बाद स्ट्रेंथ आएगी वो 67% ऑफ जो 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ आएगी। अगर मतलब हमको पता है कि 25 MPa स्ट्रेंथ आएगी 28 डेज के बाद, उस हिसाब से 7 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 67% ऑफ 25 आना चाहिए, इसका यही मतलब है। और 3 डेज के बाद अगर हमको चेक करना है वो एटलीस्ट कितना आना चाहिए? 3। तो यहाँ तक हमने ऐसे पढ़ा, ये थे रेफरेंस पॉइंट। और जो स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब है ये एक्सप्रेसड करते हैं हम नियरेस्ट वैल्यू 0.5 Nm। इसका मतलब जैसे हमको ऐसे 31.1, 25.3, 20.4 ये वैल्यूज को हम ऐसे नहीं लिखना चाहिए। हमको ये नियरेस्ट वैल्यू 0.5 के हिसाब से लिखना चाहिए। तो फिर इसका वैल्यू 30 Nm² आएगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा वो 25 आएगा, इसका जो नियरेस्ट वैल्यू होगा वो 20.5 होगा, ठीक है। तो हमको नियरेस्ट वैल्यू जो होगा उसके हिसाब से लगाना है 0.5 की, यानी कि 0.5 या 35 ऐसे ऐसे स्ट्रेंथ था हमको 0.05, 25.5, 30, 30.5, यानी नियरेस्ट वैल्यू हमको क्या होना चाहिए? 0.5। ये 0.3, 0.3, 0.1, 0.4 ये हमको आंसर नहीं करने हैं। अगर हमारी स्ट्रेंथ इतनी आएगी भी हमको इसमें रिपोर्ट नहीं करना है, हमको नियरेस्ट वैल्यू किसमें 0.5 के हिसाब से नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रिपोर्ट करना है। अगर क्वेश्चन में आएगा भी ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल वहां पर क्वेश्चन आएगा कि आप ये बताओ कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ऑप्शन उसमें दिया भी होगा ऐसे वैल्यूज कि ये 25.3, 24.4, 25.1, अगर हमारी स्ट्रेंथ ये निकल के आएगी तो हमको जो वैल्यू देना होगा वहाँ पर ऑप्शन में 25.5 देना होगा, ठीक है। ये आंसर करेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम जो रिपोर्ट करते हैं वैल्यू वो नियरेस्ट 0.5, यही इसका मतलब है। और जनरली जब हम एज पर IS 456 के हिसाब से चेक करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हम 3 स्पेसमैन पे टेस्ट करते हैं। कितने स्पेसमैन में? यानी कि एक सैंपल में 3 क्यूब्स होते हैं, 3 स्पेसमैन का क्यूब्स होता है, ठीक है। यानी कि अगर एक सैंपल में कितने 3 क्यूब्स होते हैं, और उन क्यूब्स में अगर एक की वैल्यू 25, 26 या 27 आएगा तो हम उनका एवरेज निकालते हैं और उसका नियरेस्ट यानी कि एवरेज वैल्यू हम बोलते हैं, इसका एवरेज वैल्यू जो आएगा वही हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ माना जाएगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ माना जाएगा, ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल वेरिएशन है ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब जो है मैं आपको समझा दूंगा कि ये 25% मतलब क्या है। अगर हमारी जो स्ट्रेंथ आएगी वो 25 आएगी, एक की आएगी 27, एक की आएगी 28, हम अगर इसका एवरेज निकालेंगे वो 27,
ठीक है। और ये जो 27 है इसका हम 0.85 मल्टीप्लाई 27 और 1.15 यानी कि इसके प्लस माइनस 15 के हिसाब से हम निकालेंगे। इसी के इसी इंटरवल के अंदर अंदर ये तीन वैल्यूज होनी चाहिए। अगर ये इसके बाहर होगा तो हम मानेंगे कि ये अच्छा नहीं है, सैंपल हमको फिर से टेस्ट करना है, तो कंक्रीट अच्छा नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो हम जो इंडिविजुअल वेरिएशन है वो इससे बाहर नहीं होना चाहिए, विद इन प्लस माइनस 15 के बाहर नहीं होना चाहिए। देखो अगर हम 0.85 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो ये 22.95 आएगा, और अगर इसका निकालेंगे 1.15 को 31.05। ये जो टू वैल्यूज है 22 यानी कि 22.95 तो 31.05, इस इंटरवल में ये तीन वैल्यूज होनी चाहिए। हाँ इसी इंटरवल में ये तीन वैल्यूज हैं, इसका मतलब ये जो कंक्रीट का हमने टेस्ट किया ये जो रिपोर्ट मतलब हमको करना, हम बोलेंगे हाँ ये ठीक है, इसके बाहर अगर होगा हम कैंसिल करेंगे, वो नहीं लेंगे हम, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, पहले हम इसको रब करेंगे। देखो इसके बाद ये जो स्पेसमैन है आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ा, इधर स्पेसमैन कैसे होते हैं, देखो इस तरह से होते हैं, ये 150 mm क्यूब के स्पेसमैन है। ये जो इस साइड ये वाला साइड मतलब ये वाला फेस है इस पर हम लोड अप्लाई नहीं करते हैं, इसकी जो ये वाला साइड या कोई भी और साइड, उस साइड जिस साइड ये ओपन होता है उस साइड हम लोड अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। देखो जो टॉप सरफेस होता है वहाँ पर जो अभी मैंने दिखाया जिसमें कैपिंग नहीं होती है, तो उस वाले सरफेस पर हम जो लोड है अप्लाई नहीं करते, कोई भी और सरफेस हो या ये इस वाले सरफेस पर हम लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो क्यूब की स्ट्रेंथ आती है वो ऑलमोस्ट जो हम देखा जाता है प्रैक्टिकली वो ज़्यादा निकल कर आती हैं, जितनी इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उससे ज़्यादा निकल कर आती है। इसका जो कारण है जो यहाँ पर ये स्टील प्लेट्स लगे होते हैं, जब हम उसको टेस्टिंग मशीन के अंदर डालते हैं यहाँ पर ये स्टील प्लेट्स होती है, ये स्टील प्लेट ये इसमें यूनिफॉर्मली लोड अप्लाई करता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इसमें यूनिफॉर्मली लोड अप्लाई करता है। और जो ये स्टील प्लेट्स है अंडर अगर इसमें हम लोडिंग डालते हैं इसमें जो स्ट्रेन आता है वो बहुत कम आता है, स्ट्रेन बहुत कम आता है, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस टू लोड यानी कि स्ट्रेस बहुत होता है। लेकिन ये जो कंक्रीट है कंक्रीट इसमें जो है स्ट्रेन ज़्यादा आता है, किससे, स्टील से, लेकिन ये स्टील इसको पकड़ कर रखता है जिसकी वजह से इसमें जो है अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि जो ये स्टील है ये स्ट्रेन जो होता है वो उसको बढ़ने नहीं देता है, किसको, कंक्रीट को, जिसकी वजह से स्टील की वजह से अपोजिट फोर्स देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, रेजिस्टेंट फोर्स ड्यू टू स्टील। इसकी वजह से जो हमको स्ट्रेंथ जो है क्यूब की वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये लगभग ये जो फ्रिक्शनल वैल्यू होता है ये लगभग 0.866 एक्स तक, अगर हम मानेंगे यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है तो 0.866 एक्स तक डिस्टेंस तक ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है इसका फोर्स यानी कि इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है क्यूब में ज़्यादा मतलब जो स्ट्रेंथ निकल के आती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे फिर इसको किसी बड़े स्पेसमैन से, सिलेंडर से, जिसकी सिलेंडर जो है उसकी साइज 300 mm है, उसकी स्ट्रेंथ कम निकल के आती है, क्योंकि उसका जो कारण है, देखो उसका क्या कारण है, अगर हम इधर देखेंगे ये अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे तो ये यहाँ तक ये वाला जो जोन है ये 0.866 x आएगा, और यहाँ से यहाँ तक 0.866 x, यानी कि यहाँ तक फ्रिक्शनल वैल्यू जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वो इफेक्टिव दिखाएगा। लेकिन ये वाला ये जो बीच वाला जोन है इसमें नो फ्रिक्शन होता है, इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है जो लगता है स्टील प्लेट की वजह से, इसलिए ये जो स्ट्रेंथ है इसकी सिलेंडर स्पेसमेंट की वो कम निकल के आती है, किससे, इस वाले क्यूब से। ये मैंने इधर दिखाया भी थोड़ा है, अगर आप देखोगे इसको देखो जो यहाँ पर है ये वाला स्ट्रेस, यहाँ पर जो है ये वाला जोन ये लगभग कितना होता है 0.268 डी, इसमें जो है सेंट्रल रीजन अनअफेक्टेड बाई लेटरल स्ट्रेस, यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस
ड्यू टू स्टील पैलेट्स वो नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू द इस क्यूब की वजह से। देखो ये क्यूब में है ना, इसमें पूरा स्ट्रेंथ यहाँ से देखो, यहाँ से ओवरलैपिंग ऑफ स्ट्रेस होता है किसकी वजह से, स्टील प्लेट जो ऊपर लगे होते हैं। तो अब देखो जितना जितना ये एल बाई बी रेशो यानी कि एच बाई डी यानी कि आप बोल सकते हैं एल बाई बी रेशो सिलेंडर के लिए कितना होता है 300/150/2, तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होता है। देखो ये अगर हम ये वाला क्यूब लेंगे जिसकी एल बाई बी रेशो होता है 1/1, तो उसके लिए इतना स्ट्रेंथ आता है, लेकिन अगर हम कंपेयर देखेंगे इसका स्ट्रेंथ जो है जितना एल बाई बी रेशियो इंक्रीज होता है उतना स्ट्रेंथ हमारा डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब देखो इधर अगर 100 mm का क्यूब लिया है 100 mm का, तो उसमें 5% ज़्यादा आता है स्ट्रेंथ किससे, क्योंकि और छोटा क्यूब लेंगे और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा लेटर रेजिस्टेंस। अगर 150 mm का क्यूब लेंगे तो उसमें FCK माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 200 mm का क्यूब लेंगे, ये क्यूब की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्यूब में भी अगर क्यूब लेंगे तो 0.95% ही FCK वैल्यू का स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, यानी कि इसका मतलब है डिक्रीज स्ट्रेंथ होने लगती है। ये देखो अगर हमारा सिलेंडर जो है बड़ा है यहाँ तक ही हमको जो लेटरल स्ट्रेस है देखने को मिल रहा है, और ये वाला जोन है ये फ्री टू लेटरल स्ट्रेस होता है, यानी कि बोल सकते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इसमें नहीं देखने को मिलता है, और इसमें भी यहाँ तक ही ठीक है, ये वाला जोन मान सकते हैं ये नो फ्रिक्शनल जोन, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ कम निकल के आती है एज कम्पेयर टू क्यूब, ठीक है। और ये वैल्यूज यहाँ पर लिखे हैं अगर एल बाई बी रेशियो 0.5 यानी कि जो बी का वैल्यू होगा इधर बहुत ग्रेटर होगा, तो उधर जो लेटरल स्ट्रेसेस देखने को मिलेगी वो ओवरलैप होंगे, ठीक है, ओवरलैप ऐसे, तो जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो बहुत ज़्यादा 50% एक्स्ट्रा आएगा। और क्यूब के लिए एल बाई बी रेशियो जहाँ पर क्यूब लेंगे हम वहाँ पर FCK, फिर एल बाई बी रेशियो अगर 2 लेंगे तो उधर 80% स्ट्रेंथ मिलेगी, और ये धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। अब अगर हम देखेंगे जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ है वो 80% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, और अगर ऐसे क्यूब का निकालेंगे तो क्यूब का स्ट्रेंथ जो है 25% एक्स्ट्रा आता है किससे एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल। अगर हमारी सिलेंड्रिकल की स्ट्रेंथ 25 होगा तो क्यूब की जो स्ट्रेंथ आएगी वो 1.25 × 25 आएगा, यानी कि 25% एक्स्ट्रा आता है क्यूब में, या बोल सकते हैं हम सिलेंडर में 80% ऑफ स्ट्रेंथ क्यूब के हिसाब से। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वो स्ट्रेंथ होता है बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल, ठीक है। ये मैं भी समझाऊंगा एग्जांपल से कि 5% से ज़्यादा हम मानेंगे कि स्ट्रेंथ यानी खाली हम मानेंगे कि 5% वो क्यूब्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम होगी, और ये हम कितने दिन के बाद चेक करते हैं 28 days के बाद। हमको पता है कि जो स्ट्रेंथ है इनफिनाइट पीरियड तक यानी कि लॉन्ग समय तक अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट हम जो चेक करते हैं 28 days, ये मतलब 3 years 5 years 6 years तक अपनी स्ट्रेंथ यानी कि हाइड्रेशन इसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, तब तक ये अपनी स्ट्रेंथ गेन करता रहता है। और ये जो 5% FCK ये मैं दिखाऊंगा आपको कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल इसका दिखाऊंगा। देखो अगर यहाँ पर ये क्यूब से 26, 26.5, 26.5 ऐसे ही यहाँ पर 100 तक है, कितने तक 100 क्यूब्स ऐसे हैं, तो 100 क्यूब्स का 5% अगर हम निकालेंगे वो फर्स्ट 5 samples होगा, ठीक है, 5 samples। देखो सबसे कम असेंडिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5, और ये जो 6th sample है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये बोलता है कि 5% रिस्क लेते हैं, यानी कि हम बोलते हैं कि ऑनली 5% फेलियर होगा, उससे नीचे जो हमने ये कंसिडर किया हमने बोला कि खाली 5 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ इससे कम होगी। देखो खाली 5 क्यूब्स है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5% खाली ऐसे क्यूब्स होंगी जिनकी स्ट्रेंथ इससे कम होगी। 95% जो प्रोबेबिलिटी वो हमारा सेफ है, यानी कि इस वैल्यू से 95% क्यूब्स है जिनकी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगी। हम मान के चलते हैं ऑनली 5% रिस्क, यानी कि अगर हम 100 सैंपल्स को चेक करेंगे और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेंगे
28, हम मानेंगे इस 28 के नीचे खाली 5 क्यूब्स ऐसी होंगी, यानी कि 5% क्यूब्स ऐसी होंगी जिनकी स्ट्रेंथ इससे कम होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है 5% फेल होने के चांस से, उससे उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम। अगर हम सोचो अगर हम 0% लेंगे तो उसके लिए हमको इनफिनाइट यानी कि वो इकोनॉमिकल नहीं बनेगा। हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमको जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमिकल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मान के चलेंगे कि हम रिस्क 0 लेंगे तो उसके लिए हमको जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। हम बोलेंगे चलो 100 में से खाली हमारे कितने 5 क्यूब्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ किससे कम होगी, जो एफ सी के से कम होगी, ठीक है। जो हमारा जो अभी जो वैल्यू आया वो 28 आया है। लेकिन अगर हम देखेंगे ग्रेड वो किनका मल्टीप्लस होता है, मल्टीप्लस ऑफ 5 होता है, M25, M30, M35, तो ऐसा कोई ग्रेड ही नहीं है M28। इसलिए जो हम स्ट्रेंथ मानेंगे, हम मानेंगे इससे बिलो जो होगा, इससे बिलो कौन है, इससे बिलो जो ग्रेड है वो M25 है, तो हम मानेंगे कि इसकी एफ सी की वैल्यू है वो 25 है, नहीं कि 28। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे अगर इधर 25 वैल्यू होता तो हम फिर मानते 25 ही है, लेकिन अभी हमारा 28 है, ये कोई ग्रेड नहीं है। फिर हम इसके नीचे देखेंगे क्योंकि हमको सेफ देखना है। अगर हम ऊपर लेंगे 30 तो हमारी जो रिस्क है वो बढ़ेगी, 10% चांसेस है फिर फेलियर होने की, या कितने 6, 7, 8, 9, यानी कि 9% चांस है फेल होने की, तो यानी कि फिर हमारा रिस्क बढ़ेगा। इसलिए हमको इससे लोअर ग्रेड देखना है, फिर हमारी प्रोबेबिलिटी और कम रहेगी फेलियर होने की, ठीक है। यहाँ पर ये आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दिखाया 26, 25, ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल 25 होगा, 26, 26.1, 26.2, 26.5, ये कितने हो गए ऐसे ही 100 तक, कितने 100 तक, 100 क्यूब्स। जो पांचवा क्यूब होगा 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक मानेंगे ये फेलियर है, ठीक है। इसके बाद जो होगा 27, ये मानेंगे हम ये इसकी एफ सी क्यू वैल्यू है, लेकिन एफ सी क्यू वैल्यू हम ये कोई ग्रेड ही नहीं है M27, इसलिए इसके नीचे जो ग्रेड आएगा वो M25 अगेन आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसका वैल्यू निकाल दें एफ सी क्यू का वैल्यू, ठीक है। तो अब हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बिलो ओनली 5% जो चांसेस होते हैं फेलियर होने के, 95% टाइम्स हमारा जो स्ट्रक्चर है हम बोलते हैं उससे ऊपर ही हमारी स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। ये जो वेरिएशन है जो अभी हमने दिखाया हैंड क्यूब्स का, वो हम इन टर्म्स ऑफ ये भी दिखा सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या हिस्टोग्राम की वजह, हिस्टोग्राम की थ्रू भी। तो ये जो होता है ये हिस्टोग्राम होता है, और ये जो लाइन होती है ये वाली लाइन ये पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व होता है, तो इसके भी हम देख सकते हैं। ये जो मीन वाला जो मीन वैल्यू जिसके अराउंड हमको सबसे ज़्यादा जो क्यूब्स की स्ट्रेंथ मिलती है, देखो 19 से 20 तक जो क्यूब्स की स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल हम मानेंगे 1, इधर 20 से 30 जो क्यूब्स की स्ट्रेंथ थे वो 5 हैं, ऐसे ये 30 to 35 हो फॉर एग्जांपल, उसकी स्ट्रेंथ हमको सबसे ज़्यादा मिलती है। ये वाला जोन जो है इस ये वाले जोन में हमको सबसे ज़्यादा क्यूब्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ 30 to 35 होगा, ठीक है, मतलब ऐसे। और इधर जो 30 to 35, ये जो हमारा जो कर्व निकल के आता है, अगर हम बहुत सारे क्यूब्स को चेक करेंगे, जो हमारा कर्व आता है हमेशा ऑलमोस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या गॉसियन कर्व इसको बोलते हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, यानी कि यह बोलता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100% होगा या प्रोबेबिलिटी इसका 1 होता है, इधर 50% इधर 50%, और ये सिमेट्रिक होता है, मीन मोड और मीडियन एक ही पॉइंट पर लाई करता है। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो या गॉसियन करो या बेल करो, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखना, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन द इंटरवल, इस इंटरवल 90 to 20 इंटरवल में कितना सैंपल्स आए, फॉर एग्जांपल 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे वो डिवाइड करना, वो फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस डेंसिटी। देखो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करो है, ये वाला मीन वैल्यू, इधर मीन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का देखेंगे या गॉसियन कर्व का, इसका मीन मोड और मीडियन एक ही जगह होता है, ठीक है, ये इसकी खासियत है। देखो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये बोलता है कि हमको डिविएशन कितना है किसी भी कंट्री, फॉर एग्जांपल हमको 28 हमारा जो है, यानी कि आप पहले आप ये समझो कि एफ सी की जो वैल्यू हमको टारगेट स्ट्रेंथ जो है 30 चाहिए, लेकिन
हमारा जो वैल्यूज आता है कुछ क्यूब्स का वो 20 आता है, कुछ का आता है 40, 20, 21। जो डिविएशन है इधर 30 से ये बहुत ज़्यादा है। ऐसे अगर हम एक और टेस्ट करेंगे, ऐसे यहाँ पर एक और टेस्ट, इधर भी 30 चाहिए, लेकिन इधर जो डिविएशन होता है ऑलमोस्ट ऑल क्यूब्स की स्ट्रेंथ है नियर अबाउट इन दिस इंटरवल, यानी कि 29.1, 28.1, 30.1, 30.2। इधर जो डिविएशन है वो बहुत कम है। हमको टारगेट क्या था, 30 MPa स्ट्रेंथ निकालना, और जो क्यूब्स की स्ट्रेंथ निकल रही है वो नियर अबाउट दिस 30 के वैल्यू के आसपास निकल रही है। जो इधर स्टैंडर्ड डिविएशन है वो बहुत कम है, इसका मतलब जो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट है इधर, जो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट है वो बहुत अच्छा है। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट जो इधर है बहुत अच्छा है, यानी कि जितना स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा उतना क्वालिटी कंक्रीट अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट गुड होगा, ठीक है। इफ़ देखो, इफ़ सिग्मा यानी कि जो सिग्मा होगा इधर, ये स्टैंडर्ड डिविएशन मोर होगा, लार्ज होगा, मोर स्ट्रेंथ वेरिएशन, यानी कि जो क्यूब्स की स्ट्रेंथ, अगर इधर 30 देखेंगे तो हमको 20 वाले भी दिखेंगे, 15 वाले भी, यानी कि उधर वेरिएशन बहुत होगा किससे, जो हमको एक्चुअल चाहिए, तो इसलिए बोलेंगे हम, तब बोलेंगे कि ये पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट होगा। देखो इस वाली लाइन में क्या है, हमको ये वाला मीन चाहिए, लेकिन इसमें ये वाले वैल्यूज़ भी मिल रहे और यहाँ से ये वाले वैल्यूज़ मिल रहे जो बहुत दूर दूर तक हैं, जिनकी स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल इधर 20 हैं, इधर 30 हैं, इधर 15 हैं, और हमको चाहिए था 28। जो डिविएशन है वो बहुत ज़्यादा है, अगर इधर 28 चाहिए था हमको, इस गुड कर्व के लिए क्या है 27.5, 28.5, इसके करीब करीब ज़्यादा ज़्यादा वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इस वाले कर्व के लिए, इस वाले कर्व के, देखो जो मैंने इधर रेड से मार्क किया, देखो इसका डिविएशन ज़्यादा नहीं है इस मीन लाइन से, तो हम बोलेंगे ये वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट होगा, क्योंकि डिविएशन नहीं है ज़्यादा जो हमको टारगेट स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। जितना सब डिविएशन कम होगा उतना हमारा बेटर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो चाहिए हमको उसी के इन बिटवीन, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसी के आसपास मिल रही है, ठीक है, सभी कंक्रीट क्यूब्स की। और डिज़ाइनिंग जो हम करते हैं, हमारा जो ये कभी कभी आता है क्वेश्चन की मीन स्ट्रेंथ निकालो, FCQ में हमने बोला कि ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है बिलो 5% क्यूब्स आर एक्सेप्टेड टू फेलियर। तो ये जो K है, K वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो K का वैल्यू है वो 1.65 वैल्यू है, किसके लिए, जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना लिया 5% है, अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 10% लिया तो इस वैल्यू के का चेंज हो जाएगा। और सिग्मा जो वैल्यू है सिग्मा, ये डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए डिफरेंट होता है, यानी कि M20 के लिए अलग होता है, M25 के लिए अलग होता है, एज पर IS कोड 456 ये देता है, लेकिन हमको ये निकालना भी पड़ता है खुद, हमारे जो इसके लिए सैंपल्स होने चाहिए वो कम से कम कितने सैंपल्स होने चाहिए, 30 सैंपल्स होने चाहिए। इन इनिशियल हमको ये जो सैंपल्स 30 हैं ये नहीं होता, यानी कि जब हम पहले टेस्ट करते हैं पहले हमको नहीं होती इतनी टेस्ट, तब हम जो स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं, ये जो सिग्मा का वैल्यू है ये हम कहाँ से लाते हैं, पहले IS कोड से, और जब हमारे पास सैंपल्स अवेलेबल आ जाते हैं तब हम खुद का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो वैल्यू है ये 1.65 है, ठीक है, ये 1.65, ये 1.29, तो क्या 10% वहाँ पर चेंज करेंगे वो वैल्यू, फॉर एग्जांपल वहाँ पर अगर हमको एफ मीन निकालना होगा टारगेट मेन स्ट्रेंथ, और FCQ का वैल्यू, यानी कि FCQ का वैल्यू F25 ग्रेड के लिए 25 होगा FCQ, ठीक है, प्लस, और इसके लिए जो 5% डेफिनेशन के लिए 1.65, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 4.5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमारी ये निकल के आएगी, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने ये डेफिनेशन चेंज किया कि 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ले लिया, तो फिर हमारा जो ये 1.65 के बदले 1.29 आएगा, ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है। देखो इधर यही लिखा है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है डिपेंड अपॉन द क्वालिटी कंट्रोल सफिशिएंट टेस्ट रिजल्ट, एटलीस्ट हमको कितने सैंपल्स चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए, 30, पहले हमको ये सैंपल्स अवेलेबल नहीं होते, पहले जब हम पहले टेस्ट करते तब हम कहाँ से लाते, तब हम जो कोड से वैल्यूज लाते हैं, देखो कोड ने ये वैल्यूज दी है, M10 to M15 के लिए हमको 3.5 और
यहाँ पर M20 टू M25 के लिए जो वैल्यूज हैं वो 4.0 और M30 टू M60 तक कितना है 5 न्यूटन। जो देखो कितने तक दिया है मैक्सिमम M60 तक। M60 से अब अगर हमको निकालना तो हम खुद ये ट्रायल करके निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन खुद निकालना पड़ता है भाई, एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग ऑफ ट्यूब से खुद निकालना पड़ता है। देखो M60 से अगो शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय एक्चुअल ट्रायल्स, तब हमको खुद निकालने पड़ते हैं। अगर हमने देखो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यूज़ हैं, अगर हमने इनको एज पर यानी कि साइट कंट्रोल प्रॉपर नहीं किया, स्टोरेज ऑफ सीमेंट प्रॉपर नहीं होगा, वेट बेजिंग कम्प्लीट अच्छे से नहीं किया होगा, रेगुलर क्रेट चेकिंग अच्छे से नहीं किया होगा, तो जो ये वैल्यूज है स्टैंडर्ड डिविएशन के, इनको एक एक से बढ़ाएंगे हम, कितने एक एक से बढ़ाएंगे, +1 से बढ़ाएंगे। ये कब होता है, जब हमको पता होता है कि हमने यहाँ पर कंट्रोलिंग अच्छे से नहीं की, हमने साइड पर नज़र नहीं रखा, कोई चीज़ प्रॉपरली नहीं की, तब हम इन वैल्यूज को कितने से बढ़ाते हैं, +1 से। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग प्रोसीजर। ये सैम्पलिंग प्रोसीजर हम कैसे करते हैं ये नेक्स्ट चैप्टर।